दोस्तों, मेरा नाम देवरत्न अग्रवाल, मैं इसर टेलीकॉम की तरफ से, और यहाँ मैं कुछ अपने भाइयों और अपने स्टूडेंट्स जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में हार मान चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में काश ऐसा क्यों हुआ होता वाली सोच है, तो ये एक छोटी सी कहानी है, इसको जरूर सुनिए। मेरा पूरा विश्वास है खुद पर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तो आज आप सोने से पहले एक घंटा ज्यादा काम करके सोएंगे, और कल आप ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे काश मैं रात में काम कर चुका होता। कहानी कुछ इस तरह की है, सोचो अगर किसी के कार का टायर रास्ते में पंचर हो जाए तो वो कार से उतरकर रास्ते में क्या बोलना शुरू कर देगा, अरे यार तुझे आज ही पंचर होना था, और तू बाकी टायर को देख सब सही है, दूसरी गाड़ियों के टायर को देख वो भी ठीक है, तुझे ही पंचर होना था, काश तू भी सही होता। ये चीज वो 20 मिनट तक लगातार दोहराता रहा। उसके बाद मैकेनिक को फोन किया, टायर चेंज करवाया और फिर वो वहां से गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस चीज पे आप कैसा रिएक्ट करोगे, आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ना, अरे ये तो पागल इंसान है, 20 मिनट वेस्ट कर दिए इसने लाइफ के, कितना टाइम कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी कास कास कहने में, कंप्लेन करने में कितना टाइम बेकार कर दिया उसने, टायर पंचर है बोल बोल। वो सीधे सीधे उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता और टायर चेंज कर देता। अगर वो नहीं कर सकता था तो किसी फ्रेंड को बुला लेता या मैकेनिक को बुला लेता, मतलब काश ऐसा ना हुआ होता, अगर ऐसा हुआ हो तो ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, ये सारी बातें आपके टाइम वेस्ट करने लगती हैं। ये सारी बातों से उसका टाइम वेस्ट हुआ। ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि टायर पंचर है, फिर विश करने और कंप्लेन करने से वो ठीक नहीं होता है। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में कई बार लाइन बोलते हैं और ये दोहराते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, कंप्लेन करते रहते हैं, विश करते रहते हैं, और ये सब सोच सोच के हम अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बातें भले ही कितनी मर्जी की कर लो, काम तो होगा ही मेहनत से। दोस्तों, टाइम बदलेगा तो मेहनत से, मेहनत में मुश्किल हो सकती है लेकिन मेहनत से ही आपकी जर्नी की शुरुआत होगी, और मेहनत ही आपको आगे लेकर जाएगी, और मेहनत से आपके लाइफ के रिग्रेट कम होंगे, और मेहनत से ही आपकी लाइफ में वो लाइफ आएगी जो आप पाना चाहते हैं। सो आपको खुद को आदत डालनी होगी इस मेहनत की। काश मैं राइटर होता लेकिन लिखने का टाइम नहीं, लिखने का माहौल नहीं, एक साल बाद लिखूंगा, कॉलेज के बाद लिखूंगा, रिटायरमेंट के बाद लिखूंगा, स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट राइटिंग, थोड़ा लिखो छोटा लिखो लेकिन मेहनत से लिखना चालू कर दो। काश मुझे आईसी लगाने में दिक्कत जा रही, काश मैं आईसी लगा पाता, आज नहीं लगा पा रहे हैं, आज एक निकालो, कल दो निकालो, परसों तीन निकालो दिन, और निकालने के बाद भी 10 बार लगाओ, और अगर वो 10वीं बार लगती है तो 10 बार में से एक बार सही चुनो कि कौन सी बार में आपका टाइमिंग आपका स्पीड मैच करता है, और वही चीज आपको मास्टर बनाएगी, क्योंकि तब आपको सिर्फ उस बार, तब आपको 10 में से सिर्फ एक टाइम जिसने आपने सही किया था उसको लेके आगे चलता है, और वही चीज आपको मास्टर बना देगी, और वही आपके लिए सरल तरीका हो जाएगा, और फिर यही काम आपको फुद्दू सा लगेगा। आपको क्या लगता है, बिना मेहनत के सफलता मिल जाती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के हर इंसान सफल होता, अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर इंसान आज की डेट में अमीर होता। अगर मेरी बातें आपके दिल को लगती हैं तो आज आप रात में एक घंटा ज्यादा अपना काम करके सोएंगे। मुझे पता है आपको सब आता है, पर क्यों ना उस चीज को और आगे बढ़ाएं। मुझे पता है आपको सब मालूम है, मुझे पता है सारी चीजें आपके पास आप नहीं है, तो कोई भी एक सोर्सेस पकड़ लो, मोबाइल से ही उठा के गूगल कर लो, पर अपनी चीजों के बारे में रिसर्च करो, देखना जिंदगी कैसे बदलती है। और अगर जिंदगी बदले और अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बताइए, और उनको बोलिए कि भाई काश बोलना बंद करें और जिंदगी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।
TFI Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.